ఈ రోజే డౌట్ నెట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌట్ నెట్ మీ 6వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు గణితం, భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం మరియు జీవశాస్త్రం సంబంధించిన అన్ని సందేహాలను కలిగి ఉంటుంది. వాటి సొల్యూషన్ని తెలుగులో చూడవచ్చు. మీ ప్రశ్న యొక్క ఫోటోని క్లిక్ చేయండి, క్రాప్ చేయండి మరియు తక్షణ వీడియో సొల్యూషన్ని పొందండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలను చూడటానికి మా డౌట్ నెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. Hello friends, ask my question is which of the following molecules contain both ionic and covalent bonds? अब ionic और covalent bond कौन से होते हैं? Covalent bond तो होते हैं bonds formed by the sharing of electrons between two atoms. ठीक है, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है. और ये होते हैं मेनली, जैसे मैं दिखाना चाहूँ तो एक ये है और एक बी है, में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, ठीक है, आपस में, तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर. नॉन पोलर तो जब जो हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है जिन दो एटम्स के बीच में, अगर उनका डेल्टा ई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और हमारे पास लेस देन 0.4 हो. जब हमारे पास बनेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर, जब हमारे पास डेल्टा ई है 0.4 से 1.7 के बीच में हो, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. तो हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स द बॉन्ड्स विच आर फॉर्मड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए एक एटम से दूसरे एटम पे. और ये दे आर मेनली फॉर्म बिटवीन मेटल, जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज अट्रैक्ट करता है, एंड नॉन मेटल जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज की तरह एक्ट करता है. और जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें एक और चीज है कि जिसमें अगर डेल्टा ई एन जो बॉन्ड जो एटम्स कनेक्ट हो रहे हैं उनमें अगर मोर देन 1.7 हो तो वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास है CH2Cl2. अब CH2Cl2 देखे तो इसमें हमारे पास बॉन्ड किस किस के बीच में, एक तो CH2Cl2 है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, दो बॉन्ड्स तो ऐसे हैं यहाँ, और CCl दो बॉन्ड्स ऐसे हैं. अगर हम यहाँ देखें तो कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और Cl भी नॉन मेटल. और अगर इस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ CA, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है. अब इस बॉन्ड में देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 और इसकी 2.2, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की 3.0. तो इस बॉन्ड की डेल्टा ई एन देखें 0.5, इसकी डेल्टा ई एन देखें 0.3. सिम तो हमारे पास जो ये है ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं. ठीक है, तो ये लेकिन हम देखे थे यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड है सारे के सारे, कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं है, सारे नॉन मेटल्स के बीच में. फिर हमारे पास है K2SO4. अब यहाँ पे देखिए तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड है, ठीक है, देखिए सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, और एक है ओ नेगेटिव ये पॉजिटिव, सिमिलर ओ नेगेटिव ये पॉजिटिव. ठीक है, अब देखिए सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास 2.5 के अप्रोक्स और ऑक्सीजन की 3.5. तो ये तो डेल्टा ई एन जो है डेल्टा ई एन 1.0 है, तो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक
और ये हमारे पास नॉन मेटल, नॉन मेटल के बीच में है। और यहाँ पे देखें वो ये ऑक्सीजन और ये पोटेशियम है। पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.82 और ऑक्सीजन की हमारे पास 3.5 होती है। यहाँ जो डेल्टा ई एन है ग्रेटर देन 1.7 है। एक तो आयनिक बॉन्ड इस वजह से भी हो गया, और एक देखे तो ये हमारे पास नॉन मेटल है और ये हमारे पास मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड्स भी है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका कि इसमें दोनों ऑप्शन है। इसमें दोनों हमारे पास है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। फिर है बी ई सी एल टू। अब बी ई सी एल टू की बात करें तो बेरीलियम जो है, यहाँ बेरीलियम और क्लोरिन के बीच में कैसे ऐसे दोनों ही नॉन मेटल है और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखे तो बेरीलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.57 और क्लोरीन की 3.0। तो हम देखे तो डेल्टा ई एन जो इस बॉन्ड का होगा वो अप्रोक्स 1.4 के अप्रोक्स है। तो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे, कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। और SO2 में देखे तो हमने देख ही लिया सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है ऐसे, और सल्फर और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये हमने अभी पहले दूसरे एग्जाम्पल में देखा था, दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था उसमें देख लिया। तो यहाँ पे भी सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो सिर्फ जो इसमें ऑप्शन करेक्ट है जिसमें आयनिक और कोवलेंट है वो है बी। थैंक यू।